हाँ जी, डेबिट क्रेडिट इक्वल। हाईएस्ट 21 हमारा चल रहा था। क्वेश्चंस जो दिए थे कल वो हो गए। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4 था। 5 आज हमने देखना है, और इसके अलावा क्वेश्चन बैंक था। क्वेश्चन 9.4 का पार्ट 1 नहीं हुआ। अच्छा, देखते हैं उसको। एक भाई ने पूछा इस 12 में टैक्स क्रेडिट नहीं पड़ना। एंड पे पढ़ लेंगे, ठीक है, एंड पे पढ़ लेंगे। उस पर थोड़ा सा 2-4 मिनट लगने हैं, तो पढ़ लेंगे एंड पे। अभी हम सवाल अपने करते हैं, ठीक है। अच्छा, इससे पहले आपकी क्लास थी कॉस्ट की, वो खत्म हो गई ना? तो 11 बजे होती थी, 11 से 12। 11 बजे से पहले कोई क्लास होती है? ऑडिट की होती है। कितने बजे ऑडिट की क्लास का टाइम क्या है? 10 से 11। वो कब तक चलनी है? दो तीन दिन चलनी है। इसका मतलब है खोफली कल लास्ट होगी। अच्छा, चलें कल फिर आप बता दीजिएगा, ठीक है, कल बता दीजिएगा। क्लास वो खत्म हो जाती है तो सैटरडे को फिर हम जल्दी शुरू कर देंगे। कल आपको कंफर्म करूंगा, सैटरडे को हम 10 बजे फिर क्लास शुरू कर देंगे, और फिर 10 बजे के बाद आप होंगे, FAR 2 होगी और IS 41 होगा। बस उस दिन फिर मुका देंगे इंशाल्लाह, सैटरडे को, तो हमें टाइम मिल जाए। क्योंकि आपने देखा है सिर्फ पॉइंट डिस्कस करने से काफ़ी नहीं होता। हाँ, और बीच में एक सर भी होंगे, ठीक है, आप होंगे, मैं होऊंगा, और FAR 2 होगी, तो सैटरडे को ख़त्म कर देंगे फिर, ठीक है। इसीलिए आपसे पूछा था 11 बजे का, तो कंफर्म है ना कि 11 बजे तो आप फारिग हैं ही हैं। वो ये ऑडिट ख़त्म हो जाए तो 10 बजे शुरू कर देंगे, तो 10 से 11, 12, 1-3 घंटे होंगे आराम से इंशाल्लाह, जो है ना वो फिर, क्योंकि आज IS 41 शुरू नहीं हो सकेगा। कल शुरू कर देंगे, परसों खत्म कर देंगे। तो अगर सैटरडे को इस तरह टाइम ना मिला, हाँ सैटरडे को लास्ट क्लास होगी, और अगर इस तरह सैटरडे को टाइम ना मिला फिर मंडे को एक क्लास और करनी पड़ेगी, बस इतना सा फर्क पड़ेगा। तो देखते हैं फिर, 11 बजे का तो आप पक्का ज़हन में रखें कि सैटरडे को 11 बजे क्लास शुरू होगी, और अगर मिस जो है वो कल ख़त्म कर देती हैं क्लास, तो फिर हमारी क्लास जो है वो 10 बजे शुरू हो जाएगी, और फिर हमारे पास सफिशेंट टाइम होगा, क्योंकि 3 दिन एग्रीकल्चर पे लगने हैं हमारे, तो एक दिन कल का लग जाएगा। कल हो सकता है कुछ टाइम IS 21 को भी देना पड़े, तो फिर उसके बाद परसों 2 दिन का टाइम लगाएंगे तो पूरा हो जाएगा इंशाल्लाह। हाँ जी, वो ग्रुप में मैसेज भी हो जाएगा, मैनेजमेंट की तरफ से मैसेज भी आ जाएगा आपको। कल 11 बजे नहीं हो सकेगी क्योंकि मैं कल फारिग नहीं, और परसों का दिन मैंने फारिग किया है आप लोगों के लिए, ठीक है, कल जो है वो नहीं हो सकेगी जल्दी क्लास, राइट। चलिए जी, तो कल अपने टाइम पे ही, हाँ यही टाइम होगा कल, ठीक
12 बजे का। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर जो है वो था 9.4। 9.4 का फर्स्ट पार्ट सबसे पहली बात कि हमारी हमारे पास प्रॉपर्टी है किस कंट्री में है, यूनाइटेड स्टेट्स में, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स में, फॉरेन कंट्री में, और हम बैठे हैं कहाँ पे, जाहिर हम पाकिस्तान में बैठे हैं, ये रुपीज़ का रेट दिया हुआ। अब देखें फॉरेन करेंसी वन है तो इसका मतलब है मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर हमारी करेंसी वन हो तो डिवाइड करते हैं बस, तो मल्टीप्लाई करना है। आगे क्या हुआ जी कि 10% एडवांस पेमेंट वॉज मेड ऑन 1 मई 2017। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट देखते हैं क्या है। हाँ जी, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है फर्स्ट पार्ट की। कैंगरू लिमिटेड पाकिस्तान बेस्ड कंपनी इज प्रिपेयरिंग इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडिंग दिसंबर 31, 2017। फॉलोइंग ट्रांजेक्शन वर कैरिड आउट ड्यूरिंग द ईयर। अच्छा, और फिर रिक्वायरमेंट इसका मतलब है इकट्ठी है कि प्रिपेयर एक्सटैक्स relevant to above transactions from KL statement of financial position and comprehensive income in accordance with, और 31 दिसंबर 2017 की जो है वो financial statement बनानी है। ठीक हो गया। हाँ जी, पेमेंट कर दी 1 मई 2017 को, एंड 70% पेमेंट वॉज मेड ऑन 1 जुलाई 2017 ऑन ट्रांसफर ऑफ टाइटल एंड पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी। द रिमेनिंग अमाउंट वॉज पेड ऑन 1 अगस्त 2017। बाकी जो है 1 अगस्त 2017 को पे हुआ। ऑन 1 सितंबर KL रेंटेड आउट दिस प्रॉपर्टी एट एनुअल रेंट ऑफ $0.24 million फॉर 1 ईयर एंड रिसीव फुल अमाउंट इन एडवांस ऑन द सेम डेट। हमने इसको रेंट पे दे दिया। KL uses fair value model for its investment property. Investment property कल डिस्कस कर दिया था ना। 31 दिसंबर को इंडिपेंडेंट वैल्यूअर डिटरमाइंड दैट फेयर वैल्यू प्रॉपर्टी वॉज $2.5 million। एक्सचेंज रेट्स बता दिए हमें, तो बताएं इसमें मसला क्या था। हाँ, ये तो सवाल करना चाहिए था आपको। हाँ जी, आप सवाल को देखें, मैं जरा 2 मिनट में आया।
जी जनाब, कर दिया सवाल फिर। अच्छा जी, अब रेंट रिसीव की क्या एंट्रीज होंगी? एक मिनट जरा इसका सोल्यूशन भी ओपन कर लेते हैं। रेंट जो है वो आप देखें ना कितने अर्से का रिसीव किया, जब आपने रिसीव किया उसको एडवांस कह दें, साल के एंड पे जो अर्न कर लिया वो इनकम में डाल दें, बाकी जो है वो आपका एडवांस रह जाएगा। रेंट लिया ना 1 सितंबर को 9.4, ये देखें लाइबिलिटीज में अनअर्न रेंट आ गया 8 महीने का और 4 महीने का इनकम में चला जाएगा। रेंट जो है एवरेज दोनों ऑप्शन हैं, अच्छा जी, उसके बाद जो है वो 4 महीने इनकम में डाल देंगे, रेंट इनकम ये 4/12 जो है ये इनकम में चली गई, ठीक है, क्योंकि हमने साल के एंड पे ही बताना है क्या है। अच्छा, अब पैसे हम ले चुके हैं, रिसीवेबल नहीं है, पैसे हम ले चुके हुए हैं, जब पैसे हम ले चुके हों तो फिर किसी कन्वर्जन की जरूरत बाद में पड़ती है ये रेंट पे? सोचें तो, कन्वर्जन तो उसकी करते हैं जो पेबल हो या जो रिसीवेबल हो, जो पैसे हम ले चुके उसका तो कन्वर्जन का काम ही खत्म हो गया, उसका कन्वर्जन का कोई काम नहीं होगा, राइट? रिवेल्यूशन लॉस और गेन दोनों आई ओसीआई में नहीं लेकर जाते। कल मैंने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पढ़ाया था और एक क्वेश्चन करवाया था जिसमें फेयर वैल्यू गेन या लॉस सारे का सारा कहाँ लेके गए? प्रॉफिट एंड लॉस में लेके गए। ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है फॉर रेंटल टू अदर्स, ये देखें, ये कल हमने किया था फेयर वैल्यू मॉडल और इसमें कोई हमने अदर कंप्रिहेंसिव इनकम नहीं डाला, इसमें हमने सारे का सारा फेयर वैल्यू गेन है तो इनकम, लॉस है तो एक्सपेंस डाला। इसका अदर कंप्रिहेंसिव इनकम से ताल्लुक नहीं है, कोई रिजर्व क्रिएट नहीं होता, ये सीधा सीधा प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा, ठीक बात? तो इसका मतलब ये हुआ। अब एक बात और, यहां पे रेट्स दिए हुए हैं, ठीक है, रेट्स यहां पे दिए हुए हैं, कौन से, एवरेज भी दिए हुए हैं, डेट ऑफ ट्रांजेक्शन के रेट भी दिए हुए हैं, आप आराम से डेट ऑफ रेट, ट्रांजेक्शन का जो रेट दिया हुआ है वो यूज करें, बस एवरेज की जरूरत ही नहीं है। आईएस ने दोनों बातें कही ना कि एवरेज भी यूज कर सकते हैं और जो एक्चुअल रेट है वो भी यूज कर सकते हैं, अगर तो सिग्निफिकेंस चेंजेस आ रही हो, सिग्निफिकेंट चेंजेस हो तो फिर आप एवरेज रेट नहीं लगा सकते, और अगर रेट में कोई खास चेंज ना हो तो एवरेज भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब आप देखें 2017 का रेट है, एवरेज कितना है 105, यहां पे 100 है, यहां पे 105 है, यहां पे 108 है, यहां पे 110 है, तो हम जो है 2017 की जो ट्रांजेक्शन है वो 105 पे रिकॉर्ड करें, उसकी बजाय हम जो है वो जो उनके ओरिजिनल रेट है फर्स्ट मई को 100 है तो 100 लिखें, और फिर जुलाई से लेकर दिसंबर तक वो कहता है कि 111 रेट है, वो भी आप देखें
तो वो रेट भी जो है वो इतना उसके करीब नहीं है, 116 पे चला गया, तो अच्छा खासा चेंज है, सिग्निफिकेंट चेंजेस आ रही हैं, तो एवरेज को छोड़ देना चाहिए, हमें एक्चुअल रेट यूज करने चाहिए, ठीक है। तो एक्चुअल रेट उस वक्त, एवरेज उस वक्त यूज करते हैं जब कोई खास चेंज नहीं होता है, मैं थोड़ा बहुत मॉडरेट सा चेंज आया, तो यहाँ पे तो अच्छा खासा जो है वो 105 से लेके 116 तक वेरी कर रहा है, तो इसको अगर आप देखें तो ये कितने परसेंट बन जाता है, तकरीबन 5% से लेके तो 10-11% तक चला जाता है जो चेंज है, तो इसलिए यहाँ पे एक्चुअल रेट ही आप लगाएं। और वैसे भी अगर दोनों रेट करीब करीब भी हों, आप एक्चुअल लगा दें तो कोई हर्ज की बात नहीं है, तो आप एक्चुअल आराम से लगाएं अगर आपको दिए हुए, अगर एक्चुअल ना हो तो फिर एवरेज लगा दें, बस ये अपना उसूल रखें, ठीक बात। अच्छा जी, और रिवेल्यूशन लॉस जिसका नेक्स्ट ईयर रिवर्स हो गया वो एसोसिएट में, असल में ये रिवेल्यूशन है ही नहीं, यहां पे रिवेल्यूशन नहीं है, यहां पे फेयर वैल्यू है, फेयर वैल्यू गेन है या फेयर वैल्यू लॉस है। रिवेल्यूशन और फेयर वैल्यू में फर्क क्या होता है फेयर वैल्यू मॉडल में, कि रिवेल्यूशन जो है वो कभी 3 साल बाद होती है या 5 साल बाद होती है, जब जरूरत पड़े कर लेते हैं, लेकिन फेयर वैल्यू मॉडल तो हर साल के एंड पे लगाना ही लगाना है, ठीक है, हर साल के एंड पे लगाना ही लगाना है। और फिर रिवेल्यूशन मॉडल में डेप्रिसिएशन भी लगती है, जबकि फेयर वैल्यू मॉडल में किसी किस्म की डेप्रिसिएशन नहीं होती, ठीक है। लिख देता हूं 2-3 पॉइंट, अगर रिवेल्यूशन मॉडल हो तो IS16 लगता है, अगर फेयर वैल्यू मॉडल है तो IS40 लगता है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का, पहली बात। दूसरी बात, इस पर डेप्रिसिएशन लगाते हैं, इसमें कोई डेप्रिसिएशन नहीं होती। तीसरी बात, रिवेल्यूशन जो है वो करते हैं एट द डेट ऑफ रिवेल्यूशन, जो उसकी रिवेल्यूशन की डेट होगी वो साल के दौरान कोई डेट हो सकती है, जबकि ये ईयर एंड पे करते हैं हमेशा, ईयर एंड के अलावा इसकी जरूरत नहीं है फेयर वैल्यू मॉडल जो लगाते हैं। फिर उसके बाद जो है वो रिवेल्यूशन जो है वो करते हैं व्हेन रिक्वायर्ड, जब जरूरत होगी, 3 साल बाद, 5 साल बाद, हर साल करनी जरूरी नहीं है, जबकि ये हर साल लगाना पड़ता है, एवरी ईयर ये मॉडल लगाना ही लगाना है, ठीक हो गया। फिर आखिरी बात, हम जो है वो उसको रिवेल्यूशन सरप्लस ट्रीट करते हैं, इक्विटी बनाते हैं, ठीक है, या रिवेल्यूशन लॉस हो तो वो सरप्लस उड़ा के एडजस्ट करते हैं वगैरह वगैरह, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे अगर फेयर वैल्यू गेन है या फेयर वैल्यू लॉस है, बोथ विल बी टेकन स्ट्रेट अवे इन स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम, राइट। अब आप जो है वो क्वेश्चन नंबर 9.4 का जो पार्ट वन है उसको देख लें और बता दें, अगर उसकी एंट्री वगैरह कहते हैं तो मैं करवा देता हूं। हाँ जी, देख लें, गौर कर लें,
और बता दें। तो इस सवाल का रिवैल्यूएशन से कोई ताल्लुक नहीं था जब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का जिक्र कर दिया तो। हाँ जी, इसकी अमाउंट्स कौन कौन सी होंगी? ये वाली अमाउंट होगी, ये सारे एक ही कलर से निशान लगा देता हूँ। ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी 290 पे आ गई। उसके बाद जो है ये इंक्रीज इन फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आ गया। एक्सचेंज लॉस भी आ जाएगा इसी पे। जाहिर है जो पेमेंट नहीं हुई होगी, लेट पेमेंट हुई, उस पे कोई गेन लॉस होगा तो वो आ जाएगा। बताएं जनाब, फिगर्स कैलकुलेट करूं? ओसीआई के आइटम्स बता दें क्वेश्चन फोर में। हाँ, अभी इसका बी पार्ट करते हैं ना। क्वेश्चन फोर पैक वाला, ये वाला क्वेश्चन 9.5 अभी करवाता हूँ, डिस्कस करते हैं। हाँ जी, 9.5 में जो है वो ऐसा है, ईयर कहीं पे कुछ दिया है, कहीं पे कुछ दिया है। अच्छा जी, पहले ये फिगर्स जो मैंने टिक की हैं ये बता दें मुझे। इसमें एक्चुअल रेट ही यूज किए हैं ना सारे, एवरेज तो नहीं लगाए ना। चले, बाकी जो इसमें इन्वेस्टमेंट्स लिखी हैं वो अभी देखते हैं, वो भी मैंने करवाना है, तो फिर उसके बाद इसकी बात करते हैं। क्योंकि दो पार्ट हैं, एक्सट्रैक्ट एक ही मांगा हुआ है, तो सारा कुछ उसी में शो करना है, तो इन्वेस्टमेंट की चीजें अलग। बुक पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर आ गया। इसका कह रहे हैं जी सोल्यूशन निकाल लें। नहीं जी, क्वेश्चन नंबर फोर का सोल्यूशन आ गया। फरमाए, ये वैल्यूज आ गई 12,600, 10,720 और 12,138। ये टेबल सबसे पहले बताएं, इसमें कोई कैलकुलेशन अगर नहीं हुई तो मैं करवाऊं, अगर टेबल ठीक है फिर आगे फिगर्स भी आ जाएंगी। रिवैल्यूएशन लॉस जो होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज करते हैं।
रिवेल्यूशन लॉस जो है वो ओसीआई में नहीं जाता। ओसीआई में सिर्फ रिवेल्यूशन सरप्लस जाता है जो अराइज होता है, या जो रिवेल्यूशन सरप्लस डेबिट होता है एडजस्ट होता है वो जाता है, उसके अलावा जो है वो नहीं जाता ओसीआई में। तो रिवेल्यूशन लॉस जो है वो एक्सपेंस में जाएगा। और इसी तरह जब अपवर्ड रिवेल्यूशन होगी तो उसमें अगर कोई रिवेल्यूशन लॉस की रिवर्सल होगी, जिसे हम रिवेल्यूशन इनकम आंकते हैं, तो वो इनकम भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगी एसओसीए में। हाँ जी, रिवेल्यूशन लॉस का जो रिवर्सल होगा नेट करके, डेप्रिसिएशन निकाल के नेट करते हैं ना, चलें जी ठीक हो गया। बाकी कैलकुलेशंस वो जो हमने रिवैल्यूएशन पढ़ा तो वो इसीलिए पढ़ा था, कई जगह पे वो अप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे फिर जो है अब आप देखें क्वेश्चन है, IAS 21 जो है ये लेवल 1 का टॉपिक है। IAS 21 जो हम पढ़ रहे हैं ये लेवल 1 का टॉपिक है। IFRS 8 पढ़ा हमने, लेवल 1 का टॉपिक है। IFRS 9 पढ़ा हमने, लेवल 1 का टॉपिक है। फिर हमने IAS 41 पढ़ना है अभी, वो भी लेवल 1 का टॉपिक है। तो लेवल 1 का तो जो टॉपिक है उस पर कितने नंबर का सवाल आएगा पता है? लो, लेवल 1 का मतलब पूछ रहे हैं, अंदाजा करो। लेवल 1 का मतलब होता है कि बस लेवल 1, और लेवल 2 का मतलब होता है लेवल 2। सिलेबस में लिखा हुआ है, मतलब कुछ नहीं है उसका, बस 1 और 2 मतलब है उसका। अच्छा जी, इसमें से तो बहुत कम टेस्ट होगा। जो लेवल 1 है उसमें उन्होंने कहा 8 नंबर का मैक्सिमम आएगा पर टॉपिक, ठीक है 8 नंबर का, लेकिन और 35 मार्क्स का। ये सारे टॉपिक जो लेवल 1 के हैं ना उनको मिला के उनमें से सिर्फ 35 नंबर का क्वेश्चन आना है टोटल। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो 8 नंबर का सवाल पार्ट ए में आए, हो सकता है पार्ट बी में आ जाए, साथ उसके कोई और टॉपिक मिलाओ, साथ उसके कोई और टॉपिक मिल जाए, ठीक है, तो वो ज्यादा नंबर का आ जाए। तो इंडिपेंडेंट सवाल आए ये जरूरी नहीं है। FAR 2 में तो टॉपिक मिक्स होके आते हैं अक्सर, जैसे आपने देखा IAS 1 के क्वेश्चन हम कर रहे थे उसमें लीज भी आ गया, उसमें जो है वो डेफर टैक्स भी आ गया, उसमें जो है डेफर टैक्स के अलावा उसमें और क्या था, IAS 8 की करेक्शंस भी आ गई, उसमें बोरिंग कॉस्ट भी आ गई, तो काफी चीजें उसमें आ गई, ठीक है। तो इसलिए जो है ये जरूरी नहीं है कि एक टॉपिक है तो उसपे एक 8 नंबर का सवाल अलग से आए। अब ये हम कर रहे हैं रिवेल्यूशन आ गया तो रिवेल्यूशन भी डाल दिया, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आ गया FAR 1 में से, ठीक है। अभी हम इन्वेस्टमेंट करने लगे हैं, IFRS 9 और IAS 21 मिल गए, अभी करेंगे दोनों मिल के, तो इसका मतलब है दोनों मिलके 16 नंबर का सवाल एक आ सकता है, ठीक है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि बस वो 8 नंबर के अलग अलग सवाल होंगे, ये कि 8 मार्क्स का पूछा जाएगा। और क्या पेपर में 2 पार्ट होंगे, पार्ट ए और बी, ये भी जरूरी नहीं है कि 2 पार्ट हों। और ये कहीं नहीं कहा कि पार्ट ए में लेवल 1 के सवाल होंगे और पार्ट बी में लेवल 2 के सवाल होंगे, ऐसा भी कुछ नहीं कहा हुआ कि पार्ट होंगे। तो ये भी हो सकता है कि पार्ट बी में आ जाए और किसी और सवाल के साथ मिलके जो है वो 18 नंबर 20 नंबर का सवाल हो, 20 नंबर का सवाल हो और उसमें 2 टॉपिक मिल के आए हों, 3 टॉपिक मिल के आए हों। तो इन चीज़ों के लिए रेडी रहना, ना कि वो स्ट्रेट वे वर्डिंग पे चले जाना, 8 नंबर का सवाल है तो इस पर इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। हर टॉपिक की इम्पोर्टेंस ज़्यादा है, हर टॉपिक की इम्पोर्टेंस अपनी जगह पे उसकी इम्पोर्टेंस है। तो इसलिए अगर ऐसा सोचा जाए तो लेवल 1 के टॉपिक लेने की खैर है, तो फिर 35 नंबर छोड़ के तो बाकी 65 रह गए हमारे पास। तो इस तरह की जो है ना वो सोच
ज्यादा नहीं सोचनी, कहीं भी वो टॉपिक किसी के साथ मिलके आ सकता है। चले अच्छा जी, उसके बाद जो है वो स्टडी टेक्स्ट में 168 पेज पे पूछा है, आप वर्किंग जैसे मर्जी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, जैसे आपको अच्छा लगे आप वर्किंग कर लें। कि वो 165 पे या 168 पे, कौन सा पेज है, 168 पे वर्किंग की है, कोई इतराज़ नहीं, वर्किंग है, जैसे मर्जी कर लें। अच्छा जी, आगे सवाल है कि जो इंक्रीमेंटल हमने ऐड एंड लेस की हैं लॉस और सरपुट सरप्लस में, उसको इक्विटी में क्यों शो नहीं किया। इक्विटी में क्लोजिंग बैलेंस आएगा या ट्रांजेक्शन आएंगी। हाँ जी बताएं मुझे जरा, बैलेंस शीट में अगर हमने इक्विटी लिखी तो इक्विटी में क्लोजिंग बैलेंसेस आते हैं या कि उसमें ट्रांजेक्शन आती हैं। ठीक है, अभी वो सवाल आया था कि सेपरेट पार्ट है, सेपरेट होगा, जरूरी नहीं है, मॉडल पेपर दिया है और दो पार्ट बना दिए, ना भी बनाए हो पेपर में पार्ट, इसमें कौन सा ऐसा मसला है। लेकिन एक्सपेक्ट ये करना चाहिए कि दो पार्ट होंगे, क्योंकि मॉडल पेपर दिया है तो इस तरह से दो पार्ट जब दिए हैं तो होने चाहिए, लेकिन जरूरी नहीं है। कोई ऐसा सिलेबस में तो नहीं लिखा ना दो पार्ट होंगे, मॉडल पेपर में बना दिए बस, ठीक है। मतलब ये ऐसी चीजें कि हम देखें पार्ट दो नहीं है हम परेशान हो जाएं, खैर नहीं है तो फिर क्या हुआ। हाँ जी, उसके बाद आईएएस 8 का जिक्र किया कि आईएएस 8 में भी ऐसे ही था, आईएएस 8 में तो पिछले कई स्टैंडर्ड शामिल हो गए साथ, आईएएस 2 की बात कर दी, आईएएस 16 की बात कर दी, 38 की बात कर दी, पता नहीं क्या क्या बातें कर दी। हाँ जी, हाँ हाँ जी, तो बस परेशान ना हो आप, बस काम अपना करते रहें, मेहनत करते रहें। अब ये आप कह रहे हैं ना सवाल पक्का है, इसके बारे में भी कुछ नहीं कहा जा सकता,
बाकी पक्का है कि नहीं है, लेकिन कंसोलिडेशन का सवाल अक्सर आता है, तकरीबन हर दफा ही आता है, मिस नहीं हुआ कभी। अच्छा जी, आप ज्यादा तब्दीली की बातें ना किया करें, अपने सिलेबस पे जरा नजर रखें। ठीक है, लो जी, तो क्लोजिंग बैलेंस जो है वो इक्विटी में जाएगा, ट्रांजैक्शंस नहीं जाएंगी, कैरी डाउन जाएगा। आप तैयारी अच्छी करेंगे ना तो पेपर आसान होगा, बस ये याद रखिएगा, जिसकी तैयारी अच्छी है उसके लिए पेपर आसान, और जिसकी तैयारी अच्छी ना हो सकी उसको पेपर पे मुश्किल लगेगा। तो ये तो पेपर का हमेशा का उसूल होता है, लेकिन एक बात याद रखें कि अगर आपने पढ़ा है, पेपर जैसा मर्जी आ जाए पेपर पास हो जाता है। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, मुनासिब मुनासिब पढ़ने वाले, पेपर कुछ भी आ जाए पेपर पास हो जाएगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, आपने पेपर करते हुए सवाल एक किया, उसमें दो पॉइंट रह गए, कुछ समझ नहीं आ रहा, छोड़ दें अगला सवाल। किसी सवाल को चंबड़ नहीं जाना, ठीक है, किसी सवाल के पीछे नहीं पड़ जाना आपने कि नहीं मैं करके ही छड़ना है, जो नहीं आता छोड़ें, अगला सवाल। बड़े सवाल पढ़े करने के लिए, उस सवाल को किया, फिर उसमें कोई एक दो पॉइंट नहीं समझ आ रहे, छोड़ दें, अगला सवाल, बस आगे चलते जाएं, रुकना नहीं है। पेपर में अगर कहीं पर रुक गए और ये कोशिश की कि मैं इस सवाल को टैली कर दूं, या इस सवाल में ये पॉइंट रह गया इसको भी जरूर कर दूं, जबकि आता नहीं है, आता हो तो बंदा कर दे, नहीं आता तो छोड़ दे आगे चले, तो बस ये अप्रोच अपनाएंगे ना तो पेपर पास हो जाएगा। क्योंकि काम उस वक्त खराब होता है जब बच्चा कहता है कि मैं बैठा था और ये सवाल जो है टैली नहीं हुआ, मैंने कहा टॉपिक तो बड़ी चंगी तरह किया सी, ये कैसे हो सकता है कि ये टैली ना हो, मैं सवाल फिर एक बार देखा चंगी तरह, और फिर मैंने उसको टैली कर भी दिया या कोशिश की, फिर नहीं हुआ, फिर कड़ी वाल देखा तो सवाल रह गए सन चार, मिनट भी रह गए सन चार। खैर ऐसा तो नहीं होगा, चार रह गए थे सवाल, चार रह गए और टाइम गुजर गया 2 घंटे, तो हाथ पैर फूल गए, वही है कि होया, 2 सवाल किए थे, 4 बाकी ने और 2 घंटे गुजर गए, पता भी नहीं लग गया। तो ये काम नहीं होना चाहिए, ज्यादातर ये मसला हो जाता है कि हम सवाल को अपने लिए चैलेंज बना लेते हैं कि मैं इन्हू करके ही छड़ना है, मतलब फाइनल काउंट का सवाल है टैली नहीं होया, वो फर्क आ गया, फर्क क्यों आ गया, देखा कितने फर्क आया, जब एक दफा फर्क आ गया है तो छोड़ दें, मत देखें। आप फर्क निकालते निकालते और चीजें गलत कर देंगे, और सबसे बड़ी बात टाइम भी जाया कर देंगे, और नंबर जितने आने थे वो भी नहीं आएंगे, ये नुकसान होता है। तो बस एक दफा सवाल करना है, टैली होता है तो ठीक है, नहीं होता तो खैर है, अगला सवाल पड़ा है ना करने के लिए, बस। माइंड कहता है तो माइंड के पीछे नहीं लगना ना आपने, जब माइंड के पीछे लगेंगे तो फिर इसी तरह होगा, माइंड कहता है कि कोई गाल नहीं हो जाएगा, कर ले थोड़ी जी कोशिश और, काम खराब हो जाता है, ठीक है, काम खराब हो जाता है उससे। मसलन FER1 दिया, कैश फ्लो का सवाल है, टैली नहीं हुआ, थोड़ा सा फर्क आ गया, हूं की करना है, जिसे ब्रैकटा लाइया उसे ब्रैकटा कटनियां शुरू कर दो, जिसे ब्रैकटा नहीं सी लाइया उसे लानियां शुरू कर दो। तो बस फिर आप जब इस तरह करेंगे तो फिर सवाल गलत होना शुरू हो जाएगा, और फिर कटिंग होती जाएगी, यहां तक के सवाल जो है जो 15 में से 12 नंबर आने थे वो 12 के भी 6 रह जाएंगे, तो नंबर कम हो जाएंगे। एक सवाल आपने कर लिया, उसको अगर दोबारा देखेंगे तो नंबर बढ़ने की बजाय कम होंगे, ये जहन में पक्की बात बिठा लें, पेपर पास हो जाएगा, अल्लाह खैर करे। हाँ, अगर आप फारिग हो गए पेपर करके और अभी 15 मिनट पढ़े, बिस्मिल्लाह दोबारा उसको देख लें आपने, अगर टाइम हो तो फिर उसको देख लें, वरना उसको आपने सवाल को मुड़ के नहीं देखना। ठीक हुई बात। हाँ, एक और भी बात है, अगर खुदा ना खास्ता सवाल ही बंदे को एक आता हो पेपर में और कोई आंदा ही ना है, फिर उस सवाल को काट के एक दफा दोबारा कर लें, फिर भी ना टैली हुए, फिर एक दफा काट के दोबारा कर लो, क्योंकि खुला टाइम है, सवाल ही करना है, तो फिर उन्होंने काट के भावे 3 दफा कर लो, कोई मसला नहीं है, ठीक है, अल्लाह माफी, सही बात है। तो ऐसा नहीं होगा, अल्लाह माफ करे, कि आपको सवाल एक आता हो, जब आपको और सवाल भी आते हैं तो फिर एक सवाल के पीछे टाइम जाया नहीं करना,
सवाल को छोड़ देना है, आगे चल पड़ना है, बस आपने आगे चलते रहना है। पीछे तो देखो, पीछे तो देखो, पीछे नहीं देखना मुड़ के आपने। लोग आवाजें लगाएंगे और पीछे तो देखो, पीछे तो देखो, आपने पीछे नहीं देखना, आपने आगे बढ़ते जाना है। बस जो पीछे मुड़ के जिसने देखा, पीछे मुड़ के तो देखो, वो पत्थर का हो जाएगा, तो उधर ही पेपर रह जाएगा। ठीक, कोई बात। लो जनाब, सवाल नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव में बताएं क्या प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 5 में सबसे पहले सोल्यूशन ही गलत है। एंटीज तो मांगी नहीं हुई थी सवाल में, एंटीज तो मांगी नहीं हुई थी, सिर्फ लॉस गेन निकालना था। आप एंटीज कर दें, कोई नंबर नहीं मिलेगा जब तक आप उसको बताएंगे नहीं कि ये लॉस है ये गेन है। और दूसरी बात कि इधर जो है वो लॉस लिख लें और यहाँ पे जो है वो गेन लिख लें। ये पता नहीं क्या हुआ, नाश्ता नहीं मिला जिसने पंच किया, या जिसने लिखा वो भूल गया कुछ, तो ये उलट लिखे हुए सारे। ये एक गलती है एंट्रीज में, 12 एंट्रीज ठीक हैं, लेकिन जहाँ पे लॉस लिखा है वो गेन और जहाँ पे गेन लिखा है वो लॉस है, और ये एसोसिएट में जाना। बस इतना सा इसमें मसला है, बाकी इसमें प्रॉफिट लॉस बताना था, आप उसकी वर्किंग करके बता दें। एंटीज मांगी नहीं हुई, एंटीज की जरूरत नहीं थी। हाँ, डेट्स भी ठीक कर लेते हैं, डेट्स ठीक कर लेते हैं। सेल में गेन लॉस की समझ नहीं आई। हाँ जी, आगे वो दोनों पेजेस पे इसी तरह किया हुआ है कि जहां पे गेन था वहां पे लॉस लिख दिया, जहां पे लॉस था वहां पे गेन लिख दिया, उलट लिखा गया। इसके अलावा जो है वो और कोई मसला नहीं है। पहले क्वेश्चन निकाल लेते हैं, उसमें जरा डेट्स का देख लेते हैं कि क्या मसला है। डेट्स जो है वो सारी 2018 की हैं। इसको जल्दी से देखते हैं, फिर आपको इन्वेस्टमेंट का बताना है। हाँ जी, ये जो 2004 लिखा है ना, इसको जो है वो आप क्या करें, इसको जो है वो 2018, इसको 2018 कर लें। डेट्स पहले शुरू से सारी देख लेते हैं। दिसंबर 31 की बात हो रही है, ये मार्च 2018 है। ठीक है, सवाल कहीं से कॉपी किया, कुछ ठीक हो गया कुछ नहीं हुआ, और सॉल्यूशन बनाते भी वही मसला हुआ। आगे चलते जाएं, 2018 ये भी 2018 आ जाएगा। ठीक है, 18 ही है ना, और ये 2007 2000, ये देखें 2019 बनता है ना, ये जो 2004 है ऐसे ही है, चार जो है वो 19 हो जाएगा। ठीक है, 19 बनना चाहिए, ये भी 2018 हो गया, और बस बाकी ठीक है, यहाँ पे डेट सही लिखी हुई है। चलें जी, इस तरह से ये क्वेश्चन में एरर्स थे, डेट्स में वो ठीक कर लें आप। और अब आप देखें कि हम जो है वो कहाँ बैठे हैं, डॉलर बेस्ड एंटिटी है। ठीक है, तो डॉलर जो है वो 1 रुपया लिया हुआ है, ठीक है, डॉलर जो है वो 1 रुपया है, तो फिर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे कि डिवाइड करेंगे। डिवाइड करेंगे, ठीक है, हमारी करेंसी जो है वो $1 है, और मोहसिन साहब अलेक्जेंड्रा भी आपके आपके साथ है, हो गया, तो अमेरिका में बैठे हैं। $1 हमारी अपनी जो करेंसी है वो 1 है, तो इसका मतलब है डिवाइड करना है, और अगर जो है वो फॉरेन करेंसी 1 होगी तो फिर हमने जो है वो मल्टीप्लाई करना होगा। चले, ये बात हो गई। सेल वाला पॉइंट पूछ रहे हैं, ये पॉइंट है, 27 फरवरी को हमने बेचा $46,000 कॉस्ट है, और $68,000 जो है वो क्या है, वो हमारी सेल प्राइस है।
ठीक है, तो 68,000 जो है वो हमारी सेल प्राइस है। हमने कैलकुलेट करना है कि बेचा हमने किसको है, ये हमने क्रैम्स में बेचा है, ये क्रैम्स है। 27 फरवरी को हमने बेचा, उस वक्त 7 रेट है, $1 जो है वो 7 क्रैम्स का है। तो इसकी अमाउंट लिख लेते हैं, एंट्री तो हमारी हो जाएगी डेटर्स डेबिट सेल्स क्रेडिट 68,000। ठीक हो गया, ये 27 फरवरी को एंट्री हो जाएगी, ये एंट्री पास कर दी हमने। अब ये डॉलर्स कैसे बने? डॉलर्स आर इक्वल टू क्रैम्स और डिवाइडेड बाय उसका रेट। क्या रेट था? रेट है 7 डिवाइड बाय 7। अब पैसे में डॉलर में नहीं मिलने, पैसे जो है वो हमें डॉलर्स में नहीं मिलने, पैसे जो है वो हमें क्रैम्स में मिलने हैं। तो सबसे पहले देखें क्रैम्स कितने बनते हैं। ये डॉलर की जगह 68,000 लिख दें आप, ठीक है, और ये जो 70 इधर डिवाइड हो रहा है इसको इधर मल्टीप्लाई कर दें, तो ये कितने क्रैम्स बन गए जरा बता दें। हाँ जी, ये बन गए 476,000 क्रैम्स। जी आ गया, पैसे हमें कब मिले? इसकी कलेक्शन हो रही है, प्रोसीड वर रिसीव्ड ऑन मई 25, 2018, 25 मई को, और 25 मई को रेट क्या है? 6.7 है। लो जी, अब कलेक्शन की एंट्री पास कर लेते हैं। मई 2018, तो 25 मई को हमें क्या मिला? 476,000 क्रैम्स मिलेंगे, डॉलर्स नहीं मिलेंगे, पैसे हमें आएंगे क्रैम्स में। तो 476,000 क्रैम्स हमें मिले और रेट है, डिवाइड कर देंगे 6.7, 6.7 से डिवाइड कर दिया, बताएं कितने डॉलर्स बन गए? डॉलर्स आ जाएंगे 7104.78, 7105 बन गया ना, 7104.5। तो एंट्री पास कर देंगे बैंक डेबिट 7105, डेटर्स क्रेडिट 68,000 और बाकी बन जाएगा गेन, एक्सचेंज गेन जो कि एसओसीआई में चला जाएगा। हमें तो सिर्फ गेन बताना है, एंट्री तो ना भी करें, तो ये बन जाएगा 3045। हमने बेचा 476,000 क्रैम्स का गुड्स बेची हमने, ये बात ठीक है? हाँ जी, अब्दुल्ला मुनीर अहमद। अब जब पैसे हमें मिलेंगे 25 मई को, तो हमें डॉलर्स मिलेंगे या क्रैम्स मिलेंगे ये बता दें मुझे। हाँ जी बताएं, क्रैम्स में अमाउंट मिलेगी, तो हमें 476,000 क्रैम्स मिल गए, उसको हमने कन्वर्ट करना है लोकल करेंसी में, हमारी करेंसी 1 है तो डिवाइड करेंगे। हाँ जी अब्दुल मुनीर साहब, आप गलत फरमा रहे हैं ना, डॉलर नहीं मिलेंगे। अगर तो डॉलर मिलने हैं तो फिर IS-21 खत्म हो जाता है। अगर हमें डॉलर्स मिलने हैं तो IS-21 खत्म हो गया, क्योंकि हमारी करेंसी ही डॉलर्स है। प्रॉब्लम उस वक्त आती है जब हम अपनी करेंसी में ट्रांजेक्शन नहीं कर रहे, हम फॉरेन करेंसी में ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। अगर हमें डॉलर मिलने हैं तो फिर तो काम ही खत्म हो गया ना, फिर तो फॉरेन एक्सचेंज का कन्वर्जन का मसला ही नहीं रहा। मसला होता ही तब है जब हम फॉरेन करेंसी में ट्रांजेक्शन करते हैं, और पैसे देंगे तो फॉरेन करेंसी में देंगे, पैसे मिलेंगे तो फॉरेन करेंसी में मिलेंगे, तो हमने उसको अपनी करेंसी में कन्वर्ट करके रिकॉर्ड करना होता है। तो हमें क्रैम्स मिलेंगे, हमें डॉलर्स नहीं मिलेंगे,
तो हमें 476,000 ग्राम्स मिले, हम उसको डॉलर में कन्वर्ट कर लेंगे, डिवाइड करके ये 25 मई को एंट्री करेंगे। अब डॉलर ज्यादा बन रहे हैं तो जितने ज्यादा डॉलर आए वो हमारी इनकम होगी, राइट बात। ले जनाब, दोनों सवाल पूरे हो गए। हाँ जी, अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट्स की, आखिरी पॉइंट है हमारा। हमने जो है वो क्रेडिटर्स, लोन्स, रिसीवेबल्स, लोन्स गिवन, लोन्स टेकन सारे डिस्कस कर लिए। फिर उसके बाद हमने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डिस्कस कर ली, फेयर वैल्यू मॉडल। फिर हमने कहा कॉस्ट मॉडल हो तो उसमें कुछ भी नहीं करना पड़ता IS-16, और जब रीवैल्यूएशन IS-16 का कॉस्ट मॉडल हो या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कॉस्ट मॉडल पे हो तो कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, बस पहले दिन ट्रांजेक्शन लिखेंगे। फिर उसके बाद प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट था, उसमें हमने कहा कि अगर रीवैल्यूएशन मॉडल लगा रहे हैं तो फिर सबसे पहले फेयर वैल्यू फॉरेन करेंसी में आएगी, और कौन सा रीवैल्यूएशन मॉडल, कौन सा एसेट जो कि सिचुएटेड है बाहर, जो कि बाहर सिचुएटेड है। अगर लोकल होगा तो फिर तो कोई मसला ही नहीं, क्योंकि एक दफा लोकल करेंसी में कन्वर्ट हो गया काम खत्म। मसला उस वक्त है जब हेल्ड अब्रॉड है, तो फिर जो है वो उसका मसला भी आ जाएगा कि उसको जो है वो पहले फेयर वैल्यू देखें, फिर उसको लोकल करेंसी में कन्वर्ट करें, रिवैल्यूएशन सरप्लस लॉस, उस पर दो सवाल भी कर दिए। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स की। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, और अगेन कौन सी करेंसी में, फॉरेन करेंसी में, ठीक है। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स फॉरेन करेंसी में हमने जो है वो इन्वेस्टमेंट कर दी, शेयर्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए वगैरह वगैरह, ठीक है, ऑफ फॉरेन करेंसी। फॉरेन करेंसी, हम जिस कंट्री में बैठे हैं उस कंट्री के नहीं, बाहर किसी मुल्क के हमने शेयर्स खरीद लिए किसी कंपनी के, और वो लोकल करेंसी में नहीं है, तो फिर क्या करेंगे? सबसे पहली बात, इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड करेंगे किस प्राइस पे इनिशियली, हाँ जी, फॉरेन करेंसी विल बी कन्वर्टेड इनटू लोकल करेंसी। ठीक हो गया, स्पॉट रेट उसका लगा देंगे जो भी होगा जिस दिन इन्वेस्टमेंट की, बिल्कुल सही, ये वही कॉलम इनिशियल स्पॉट रेट का आ गया। इनिशियल तो आता ही स्पॉट रेट हमेशा। फिर उसके बाद सब्सिक्वेंटली क्या करना है, वो जो अगला कॉलम था हमारा इनिशियल के बाद, कॉलम उसी तरह बना दो जैसे पहले बनाया था, वैसे ही बना देता हूं, वही फॉर्मेट यूज कर लेते हैं। इनिशियल, इससे पहले मैंने कुछ लिखना है वो भी लिखता हूं। इनिशियल क्या है, स्पॉट रेट पे, सही हो गया, इक्विटी शेयर्स। उसके बाद फिर सब्सिक्वेंट मेजरमेंट क्या होगी एट द एंड ऑफ ईच ईयर, दो बातें हैं, एक है फेयर वैल्यू, बल्कि फेयर वैल्यू की बजाय भी दूसरा वर्ड लिखते हैं कि एक था हेल्ड फॉर ट्रेडिंग, नॉट हेल्ड फॉर ट्रेडिंग, अब IFRS 9 आ गया इसमें, ये था फेयर वैल्यू थ्रू OCI। याद है, नहीं याद तो देख लीजिएगा निकाल के। और दूसरा था कौन सा, हेल्ड फॉर ट्रेडिंग जिसे कहा था, जो है ही बेचने के लिए, और ये था फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस। याद है, ये दो ही थे उसमें सिनेरियो। चलें जी, अगर पहला होगा तो क्या करेंगे,
इनिशियल मेजरमेंट तो हो गई, रिकॉर्ड कर दी इन्वेस्टमेंट, और उसके बाद देखेंगे कि फेयर वैल्यू क्या है। एंड पे क्या करेंगे, फेयर वैल्यू पे ले जाएंगे। उसी तरह फेयर वैल्यू फॉरेन करेंसी में होगी और उसको जो है वो क्लोजिंग रेट लगा देंगे। ठीक है, ये काम वही है जो पहले भी हमने किया। अब अगर अपवर्ड होगी फेयर वैल्यू तो फिर उसे क्या करेंगे, हाँ जी ओसीआई लिखा हुआ है तो उसे कहां ले जाएंगे, उसे ओसीआई में ले जाएंगे। और अगर डाउनवर्ड होगा तो उसे भी ओसीआई में ले जाएंगे। यही काम किया था ना। और बेसिकली वो जाना कहाँ है, वो जाना है रिजर्व में, रिजर्व में चला जाएगा, इक्विटी में चला जाएगा। और इक्विटी में जो चीजें जाती हैं उनको हम ओसीआई के थ्रू जो है वो लेके जाते हैं। एंट्री क्या हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट डेबिट हो जाएगी और ओसीआई क्रेडिट हो जाएगी। एंट्रीज वही हैं जो पहले भी की थी हमने। अगर अपवर्ड है तो इन्वेस्टमेंट डेबिट, ओसीआई क्रेडिट, फेयर वैल्यू रिजर्व क्रेडिट, एक्सचेंज रिजर्व क्रेडिट अपवर्ड की। और अगर डाउनवर्ड होगा तो ये एंट्री उलट जाएगी। ठीक, उसके बाद फिर स्पॉट रेट पे ही आएगा इनिशियल ट्रांजेक्शन, चाहे हेल्ड फॉर ट्रेडिंग है। और फर्क क्या होगा कि अपवर्ड होगा तो लॉस रिकॉर्ड कर दें, गेन हो जाएगा, गेन गेन रिकॉर्ड कर देंगे। और अगर डाउनवर्ड होगी फेयर वैल्यू तो लॉस रिकॉर्ड कर देंगे। यही सेम पॉइंट इधर भी आ जाएगा और ये एसओसीआई में सारा कुछ चला जाएगा। बताएं जी, ठीक हो गया? बस ये दो ही सिनेरियोज हैं इसके, नॉट हेल्ड फॉर ट्रेडिंग है और दूसरा हेल्ड फॉर ट्रेडिंग है। और एक पॉइंट और लिख लेते हैं छोटा सा, दोनों केसेस में अगर कोई डिविडेंड मिलता है हाँ जी, डिविडेंड रिसीव्ड जो है, डिविडेंड रिसीव्ड विल बी रिकॉर्डेड एज इनकम, इनकम ही था ना, एज इनकम उसे इनकम रिकॉर्ड करेंगे अप्लाइंग रेट ऑफ रिसीट डे। जिस दिन पैसे मिले उस दिन का रेट लगाएंगे और उसे कन्वर्ट करके जो है वो एंट्री पास कर देंगे। एंट्री क्या होगी, बैंक डेबिट हो जाएगा, डिविडेंड इनकम क्रेडिट हो जाएगी, लोकल करेंसी में कन्वर्ट कर देंगे। कोई नई बात नहीं की हमने, सारी बातें वही हैं। सिर्फ एक बात ऐड हुई कि क्लोजिंग डेट पे फेयर वैल्यू फॉरेन करेंसी में आएगी और उसको मल्टीप्लाई करेंगे रेट के साथ, क्लोजिंग रेट के साथ, तो लोकल करेंसी में कन्वर्ट हो जाएगा। सोचें जनाब, डिविडेंड एसओसीआई में इनकम, प्रॉफिट एंड लॉस में, पहले भी हमने यही किया था, किसी भी केस में डिविडेंड मिलता है उसे हम एसओसीआई में डाल देते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में डाल देते हैं, IFRS 9 में ऐसे ही कर रहे थे ना, तो वही रिपीट हो गया यहां पे। क्वेश्चन नंबर, अब जो हमारे सवाल रह गए वो कौन से रह गए हैं, सिर्फ दो सवाल रह गए हैं। एक क्वेश्चन नंबर 5 है, पैक का क्वेश्चन नंबर 5 है और क्वेश्चन बैंक 9.4 का सेकंड पार्ट और साथ 9.3 भी रह गया। इन्वेस्टमेंट नॉन करंट एसेट में, हाँ जी इन्वेस्टमेंट से हम वो नॉन करंट एसेट में लिख देंगे। हेल्ड फॉर ट्रेडिंग हो तो करंट एसेट में आ जाएगी, नॉट हेल्ड फॉर ट्रेडिंग है तो नॉन करंट एसेट में आ जाएगी। एबीसी लिमिटेड कंपनी के ऑपरेशंस अमेरिका में भी हैं और पाकिस्तान में भी हैं और दुबई में भी। अब तीनों कंट्रीज में ये कंपनी अपने अपने कंट्री की करेंसी में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएगी, बट जो तीनों की कंसोलिडेशन
की जाएगी तब किस कंट्री की करेंसी में क्या जाएगा। आपने जो पहली बात फरमाई वो गलत फरमाई आपने कि वो तीन बैलेंस तीन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएगी, ऐसा कभी नहीं होता। एक बनाते हैं, एबीसी लिमिटेड है, उसके ऑपरेशंस जो हैं वो पाकिस्तान में भी हैं, अमेरिका में भी हैं, दुबई में भी हैं। वो तीन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कभी नहीं बनाएगी, वो डिसाइड करेगी उसकी फंक्शनल करेंसी कौन सी है। तीनों में से एक उसकी फंक्शनल करेंसी होगी और फिर उस करेंसी में वो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएगी। तो उसने डिसाइड करना है कि उसकी फंक्शनल करेंसी कौन सी है और फिर IAS 21 लगा के बाकियों को कन्वर्ट करेंगे। ये जरूर है उसके ऑपरेशंस हर जगह पे होंगे, एसेट हर जगह पे लगे होंगे, ठीक है, लेकिन उसकी एक होम करेंसी होगी, एक फंक्शनल करेंसी होगी। उसका रूल बता दिया कि जहां के रूल्स एंड रेगुलेशंस उस पर अप्लाई करते हैं, जहां का मेजर इनपुट उसकी सारी हो रही है, तो वो एक फंक्शनल करेंसी हो जाएगी। इसीलिए तो फंक्शनल करेंसी बताया कि आप एक फंक्शनल करेंसी डिसाइड करेंगे और फिर उसके मुताबिक आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेंगी, राइट। और सेगमेंट इंफॉर्मेशन IFRS 8 सेगमेंट इंफॉर्मेशन दे देंगे हर कंट्री की अलग अलग, वो आपकी फिर जो है वो भी आपकी फंक्शनल करेंसी में बनेगा। अगेन बनेगा सारा कुछ फंक्शनल करेंसी में। और अगर कंपनीज अलग अलग हैं तो फिर काम ही खत्म हो गया। एक जहां गए पे आपकी एक कंपनी है, सब्सिडी आपने किसी और मुल्क में खोली, तो दो अलग कंपनीज हैं और फिर उनको कंसोलिडेट करना वो हमारे सिलेबस में नहीं है। वो CFAB में होगा कि आप जो है वो बैठे हैं डॉलर्स में बना रहे हैं और एक आपकी सब्सिडी है वो बना रही है पाउंड में, तो उसको पहले कन्वर्ट करें, कन्वर्ट करके फिर कंसोलिडेशन करें, वो काम अलग है। कल क्लास 12 बजे ही होगी, सैटरडे को होपफुली 10 बजे होगी, ठीक है। अच्छा जी, टेस्ट में क्वेश्चन पैक की बुक से उठा के दे दिए जाते हैं, लास्ट दो टेस्ट में ऐसा ही है। अच्छा, ये बात आपकी ठीक है, ऐसे टेस्ट का फायदा नहीं है। चलें, अगले जो टेस्ट रह गए हैं वो अब कोशिश करते हैं कि वो वहां से ना दिए जाएं, बस वो फिर समझने आसानी के लिए कि जिसने टेस्ट अपलोड करना है उसको भी आसानी हो जाए और जिसने टेस्ट सॉल्व करना है उसको भी आसानी हो जाए, कुछ कुछ काम आसान आसान भी हो जाए, बस ये मकसद होगा उसके पीछे, ठीक है। इसीलिए तो मैं कहता हूँ पीछे नहीं मुड़ के देखना, पीछे नहीं मुड़ के देखना यार। करते हैं कुछ इंशाल्लाह, ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज, सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।